हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वीरेंद्र माचिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम ड्रिल मशीन ये आपके सामने लगी हुई है। इसकी मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा और ऑपरेशन भी करके बताऊंगा। तो पहले तो आप देख लीजिए, ओवरलुक ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन ये देखिए। शुरुआत करते हैं बेस से। बेस जो है आपका, ये बेस, इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं, ओवल स्लॉट। और ये बेस जो है आपका, ये कास्ट आयरन का बना होता है। इसे ग्राउटिंग करके लगाया जाता है नीचे। देखिए, नीचे जो है इसके लिए हमने कॉलम बनाया कंक्रीट का, जो इसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर सके और इसे स्टेशनरी रख सके। ये आपके ग्राउटिंग के बोल्ट हैं, ये दिख रहे हैं, ये देखिए। और नट से कसा हुआ है, इधर भी है, लेफ़्ट साइड में भी है, और ये यहाँ पर भी है, ये लगा है नीचे। तो शुरू करते हैं हम बेस से। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बेस जो है इसका कास्ट आयरन से बना हुआ है, ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर सके और थोड़ा हैवी हो। इसके बाद बात करेंगे ऊपर वाले, ये जो रोटेटिंग बेड की, रोटेटिंग बेड जो होता है ये मार्डली स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनता है। डिपेंड करता है मशीन की कॉस्ट कितनी है और मशीन किस पर्पज़ से ली जा रही है, स्मॉल इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या हैवी वर्किंग पर्पज़ से। तो ये रोटेटिंग बेड होता है, ये रोटेट होता है ये लीवर से। ये इसकी कास्ट आयरन की आर्म बनी हुई है, ये आर्म सपोर्ट करती है जॉब को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्म है ये वर्टिकल कॉलम पे माउंट है। ये वर्टिकल कॉलम स्टेनलेस स्टील का बना है और ये जो आपका आर्म है ये कास्ट आयरन का बना है। कास्ट आयरन में एक लीवर दिया हुआ है, ये लीवर है, ये लीवर, ये लीवर से आप इस रोटेटिंग बेड को रोटेट कर सकते हैं। इस रोटेटिंग बेड में स्लॉट कटे होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे चारों अलग अलग दिशाओं में स्लॉट कटे होते हैं, जिसके ऊपर आप वाइस फिट करते हैं। ये वाइस नॉर्मल बेंच वाइस नहीं है, नॉर्मल बेंच वाइस नहीं है, ये वाइस जो है मशीन वाइस है। इसके आप देख सकते हैं टीथ जो है वो मशीन किए हुए हैं, क्लीन टीथ हैं, ताकि आप इस पर वर्किंग जॉब जब रखें तो उस पर टीथ के मार्क्स ना आए, निशान ना आए। ये बेंच वाइज देख रहे हैं, मशीन वाइज देख रहे हैं, सॉरी। तो मशीन वाइज में स्क्वायर थ्रेड है, देख सकते हैं आप, इसे फिक्स किया हुआ है जॉब पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं हम ऊपर वर्टिकल कॉलम की। वर्टिकल कॉलम स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये लीवर है, इसे अप और डाउन करने के लिए। किसको, ये जो आर्म बनी हुई है आपके रोटेटिंग बेड की, है ना, ये एडजस्टेबल बेड है, रोटेट हो जाता है ये। इसके बाद बात करते हैं, ये ऊपर नीचे तो नहीं होता है, पर ये लीवर से लूज़ होके लेफ़्ट राइट हो जाता है। ऊपर नीचे इस तरफ से होता है, यहाँ से। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। रैक ये लगी हुई है आपकी, वर्टिकल रैक है, ठीक है। ये रैक, रैक क्या होती है, एक दांतेदार पट्टी होती है जिसके ऊपर गियर जो है वो चलता है, घूमता भी आता है चलते आता है। गियर की मैकेनिज्म इसके अंदर लगी हुई है, आप इसे ऐसे घुमाएंगे, इसे फिट करके, थोड़ी लूज़ है ये देखिए, आप इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर उठने लगेगी, पूरा का पूरी आर्म जो है ऊपर उठेगी। अब बात करते हैं, ये स्टैंड है, ये चक ऑपरेटिंग की है, इसी से आप चक को लूज़ और टाइट करते हैं, इस प्रकार फंसा के, इस प्रकार फंसाते हैं। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लूज़ होगा। ये क्यों करते हैं, ये ड्रिल बिट को फिट और लूज़ करने के लिए। जब निकालना तो लूज़ कर लेते हैं, निकल जाती है। ये है ट्विस्ट ड्रिल, ये आपकी ट्विस्ट ड्रिल है। ये देखिए ध्यान से, इसमें फ्लूट कटे हुए हैं, है ना, और नीचे इसका कटिंग एज है, ये देखिए, जिसमें चिप लगा हुआ था। ये घूमती है इस प्रकार से और रोटेट होते हुए अपने सामने वाले जॉब में छेद कर देती है, है ना, क्रिएटिंग ए होल बाय रोटेटिंग टूल इज कॉल्ड ड्रिल। ये ट्विस्ट ड्रिल है। ये आपका चक, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें तीन होल होते हैं टाइट करने के लिए, दूसरा ये और ये तीसरा। ये जो चक है आपका, ये चक है, ये स्पिंडल है। चक में तीन जॉ होते हैं, देखिए, थ्री जॉ चक होता है, ये थ्री जॉ चक जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ अलाइन चक होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ड्रिल मशीन में थ्री जॉ चक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये फ्रेम की। जो फ्रेम है जिसमें इस आपका स्पिंडल पूरा कसा हुआ है, फिट है, रोटेट है, ये अंदर पुली से कनेक्ट होता है ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पुली लगी होती है, अभी पुली भी दिखाएंगे। ये फ्रेम है आपका, जो कि ये माउंटिंग लिए हुए, कंट्रोल माउंटिंग बोलते हैं इनको। ये लीवर है आपका,
और ये स्केल है, स्केल ऊपर नीचे होता है, ये स्केल देखिए ये नीचे ऊपर होता है, आप इसे नट से एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, है ना। अभी तो जॉब फिट है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं। और ये है आपकी टाइट करने की आर्म को लीवर, ये लीवर है आपका, ये लीवर जो है इससे आपकी आर्म टाइट हो जाती है, इससे ये हैंडल ऑपरेट नहीं होता है। टाइट कर दिया आपने एक बार तो ये आपका हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। और आपने इसको लूज़ कर दिया ऐसे, ये वापस चला गया, ये मूव, इट कैन मूव ईजली। अगर आपने ऐसा करके इस प्रकार लगा दिया इसको और ऐसे इसको टाइट कर दिया, अरे रिवर्स आ गया, ज़्यादा टाइट नहीं हो पाता अच्छे से। मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, देखिए ये टाइट किया हमने और यहाँ से इसको ऐसे घुमा के पूरा टाइट कर दिया, अब ये हो गया पूरा फिक्स, देख सकते हैं आप। और आपको लूज़ करना है, ऊपर जाएगा ये तो धीरे से आप लूज़ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, गया। जब हैवी जॉब में छेद करना होता है तब इस प्रकार की हम लॉकिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो भैया ड्रिल मशीन जो है ये ऑपरेट होती है आपकी सिंगल फेस मोटर से। मोटर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अगर हम, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर है, है ना। 1425 आरपीएम है इसके, आधा हॉर्स पावर है, 370 वाट है ये, सिंगल फेज 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली, 50 हर्ट्स तथा 4.5 एम्पियर पे काम करने वाली मोटर है ये, सिंगल ऑपरेटेड। इसी खास बात ये है, हाई टॉर्क लो आरपीएम और लो आरपीएम और हाई आरपीएम लो टॉर्क दोनों प्रोवाइड करती है। आरपीएम तो इससे कांस्टेंट रहते हैं पर हम ये दोनों चीज़ें इसके जो पुली माउंट है ये पुली से निकालते हैं। अगर छोटा छोटे वाले पुली पे आपका बेल्ट चढ़ा हुआ है, ये देखिए ये कोन पुली लगी हुई है, इसे स्टेप कोन पुली भी कहते हैं या स्टेप पुली भी कहते हैं, कोन पुली भी कहते हैं, दोनों लैंग्वेज में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बेल्ट चढ़ी हुई है छोटी वाली पुली पे, उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ये पुली जो है अपने डायमीटर के हिसाब से टॉर्क तथा आरपीएम ट्रांसफ़र करती है। कैसे? छोटी पुली जो होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा घूमती है दूसरी पुली के, दूसरी पुली की तुलना में छोटी पुली ज़्यादा तेज घूमती है, जिस कारण वो आरपीएम ट्रांसफ़र करती है। मिडिल पुली, फिर सेकंड मिडिल पुली और उसके बाद लास्ट, ये जो लास्ट पुली है इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये टॉर्क ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो टॉर्क ट्रांसफ़र के लिए बड़ी पुली, आरपीएम ट्रांसफ़र के लिए छोटी पुली। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ये मोटर की माउंटिंग है, वर्टिकल एक्सिस पे हमने मोटर को फिट किया हुआ है, है ना, ताकि हम इसे इजीली ऑपरेट कर सकें। ये देख सकते हैं आप, दुर्घटना ना हो पुली में, हेयर वगैरह ना फंसे, बाल ना फंसे, गर्ल्स के बॉयज़ के बड़े बड़े बाल, तो इसलिए हमने इसको कवरिंग के लिए ये मेटल शीट का कवरिंग दे दी थी। और अभी आपको समझाने के लिए मैंने इसको ओपन किया है, अब देख सकते हैं आप। ये देखिए ये लीवर बना हुआ है ऑपरेट करने के लिए नीचे, इधर आके देखें तो इसमें वी बेल्ट यूज़ होता है। वी बेल्ट की खासियत ये है, ये वी स्लॉट पुली है, है ना, मैंने बताना नहीं आपको, ये वी स्लॉट पुली है। वी बेल्ट की खासियत ये है कि इसका सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्लिपेज के चांसेस कम होते हैं और आपको आरपीएम जो है एक्यूरेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसका ब्रेकडाउन भी कम होता है बेल्ट का, लॉन्ग लाइफ रहते हैं बेल्ट। अब आप अंदर देख सकते हैं, अंदर आपको स्टेप कोन पुली दिख रही है जो कि इस पुली के ठीक विपरीत लगी हुई है, वो देखिए, है ना। छोटी पुली में जो मोटर की पुली है उसमें छोटी पुली के ऊपर बेल्ट लगा हुआ है और इसमें बड़ी पुली पे, मतलब आरपीएम मोटर से मिल जाएंगे और टॉर्क जो है वो आपकी स्पिंडल की पुली जो दिख रही है आपको वो बना देगी। तो कुल मिला के दोनों चीज़ें लगभग लगभग 50-50 हो जाती हैं। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वर्टिकल कॉलम ड्रिल मशीन को लेके। तो रिव्यू में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको इस मशीन का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम इसके ऑपरेशन की। तो देखिए ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया जाता है, पहले हम सेंटर पंच से मार्किंग करते हैं, है ना। सेंटर पंच से मार्क करके हम वहाँ पे मार्क डॉट लगाते हैं, डॉट के ऊपर हम इस ड्रिल के पॉइंट को रखते हैं, ड्रिल के पॉइंट को रखते हैं। ड्रिल के पॉइंट को रखने के बाद हम धीरे धीरे मशीन ऑपरेट करते हैं। तो मशीन में चालू करने जा रहा हूँ, आप ऑपरेशन देख लीजिए थोड़ा सा। ये चिप्स बकरी हुई हैं, इसे कंटिन्यूस चिप बोलते हैं।
कंटीन्यूअस चिप और डिसकंटीन्यूअस चिप जो वो होती हैं उन मटेरियल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती हैं, है ना। तो जो कंटीन्यूअस चिप हैं वो डक्टाइल मटेरियल होता है तब निकलती हैं ड्रिल करते समय, और अगर हम ब्रिटल मटेरियल में होल कर रहे हैं तो डिसकंटीन्यूअस चिप निकलती हैं पाउडर फॉर्म में या छोटी छोटी चिप निकलती हैं। तो चलिए मैं आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ। ये हमने चालू की है मशीन, और ये हम होल कर रहे हैं। वैसे तो कूलेंट यूज़ करना चाहिए, सॉल्युबल ऑयल जो होता है वो कूलेंट यूज़ किया जाता है इसमें। अभी देखिए ये चिप्स निकल रही हैं, होल हो रहा है। ये देखिए ये कंटिन्यूस चिप निकली, ये होल हो गया। अब होल तो हो गया, इसमें एक चीज़ और है, हम इसे कहते हैं थ्रू आउट होल। देखिए थ्रू होल कहते हैं क्योंकि इसमें छेद जो है आर पार निकल गया, ठीक है। अब ड्रिल तो कर लिया हमने, एक ऑपरेशन होता है इससे जिसे हम कहते हैं ओवर ट्रैवल। ड्रिल करने के बाद जब हम मटेरियल को ड्रिल मशीन के बिट से आर पार कर देते हैं तो इसे कहते हैं ओवर ट्रैवल। छेद किया तो किया हमने, ड्रिल बिट को ओवर ट्रैवल कर दिया, ये ओवर ट्रैवल है आपका, ठीक है। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपके लिए काम की होगी, है ना, यूज़फुल होगी। ये देख लीजिए ओवर ट्रैवल हमने ड्रिल मशीन के ड्रिल बिट को जॉब के ज़रिए कर दिया। माइल्ड स्टील का जॉब है ये, तो ये हो गया आपका ड्रिल मशीन का ऑपरेशन। ये देखिए चिप फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये कंटीन्यूअस चिप निकली हुई है, ये कंटीन्यूअस चिप और थोड़ा बहुत पाउडर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, गुड बाय।